हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजीव और आप देख रहे हैं लीगल अड्डा चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए अपडेट है पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट असम की तरफ से, तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। दोस्तों, पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट असम की तरफ से 377 वैकेंसियों की नोटिफिकेशन आई है। इन सब पोस्ट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन 27 जनवरी 2021 से शुरू हो चुकी है और आप 10 फरवरी 2021 तक इन सभी पोस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। यहाँ इन सभी पोस्ट के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं रखी गई है। यहाँ जो सबसे पहली कैटेगरी है उसमें पीएन की वैकेंसी आई है। कुल वैकेंसियां 27 हैं और उसकी सैलरी की डिटेल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। ये सारी वैकेंसियां दोस्तों पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट के हेडक्वार्टर के लिए इन्होंने मांगी हुई है। ग्रेड 4 की पोस्ट है और इन सभी 27 वैकेंसियों का जो कैटेगरी वाइज अलॉटमेंट किया गया है कि किस कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे कितनी सीटें रिजर्व रखी गई हैं, उसकी सारी डिटेल आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख सकते हो। और आगे है इसमें ग्रेड 4 की पीआरआई की वैकेंसियां। यहाँ कुल 350 वैकेंसियां हैं। इसकी सैलरी की डिटेल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। और इन सभी वैकेंसियों का जो डिस्ट्रिक्ट वाइज सीट्स का अलॉटमेंट किया गया है कि किस जिले में कितनी सीटें यहाँ पे फिक्स की गई हैं, वो सारी डिटेल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। उसके अलावा जो अलग अलग कैटेगरियों में रिजर्वेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग सीट्स को रिजर्व रखा गया है, उसकी सारी डिटेल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो कि किस कैटेगरी में यहाँ कितनी सीटें अलॉट की गई हैं और कहाँ कहाँ कितना कितना रिजर्वेशन किस कैटेगरी को दिया गया, तो वो सारी डिटेल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। इन सभी पोस्ट के लिए दोस्तों 18 से 40 साल के सभी कैंडिडेट एलिजिबल हैं और यहाँ जो क्रूशल डेट रहेगी जिसके अकॉर्डिंग आपकी एज कंसीडर की जाएगी वो 1 जनवरी 2021 रखी गई है। उसके अलावा 5 साल का अपर एज रिलैक्सेशन दिया गया है एससी, एसटीपी और एसटीएच कैटेगरी में और 3 साल का यहाँ पे अपर एज रिलैक्सेशन दिया गया है ओबीसी और एमओबीसी कैटेगरी को और 10 साल का अपर एज रिलैक्सेशन दिया गया है पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को। अब दोस्तों बात करते हैं एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दी। कोई भी कैंडिडेट जिसने कम से कम 10वीं पास कर रखी है तो वो इन सभी पोस्ट के लिए यहाँ पे एलिजिबल है। यहाँ दोस्तों जितने भी कैंडिडेट इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उन सब कैंडिडेट को जो है सिंगल पोस्ट के लिए अप्लाई करना होगा। कोई भी कैंडिडेट जो है दोनों ही पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकता, ना ही अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में कोई कैंडिडेट जो है अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता। सिंगल कैंडिडेट जो है सिर्फ एक ही फॉर्म, एक ही पोस्ट और एक ही डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कर सकता है। अगर किसी कैंडिडेट ने यहाँ पे जो मल्टीपल एप्लीकेशन फिल की होंगी तो कैंडिडेट की जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। इस नोटिफिकेशन में दोस्तों इन्होंने जो ऑनलाइन फॉर्म फिल करते वक्त आपको अपनी फोटो अपलोड करनी है, अपनी साइन की इमेज अपलोड करनी है और साथ ही कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, उन सब की डिटेल इन्होंने यहाँ पे नोटिफिकेशन में डाली हुई है। इन्हीं गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो है आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट, फोटो और साइन जो है अपलोड करने होंगे, तो वो सारी डिटेल जो है आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर की। सिलेक्शन यहाँ पे जो होगा वो रिटन टेस्ट प्लस में इंटरव्यू के बेसिस पे होगा और इन्हीं दोनों के अकॉर्डिंग यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और इसी फाइनल लिस्ट के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। और दोनों स्टेज क्लियर करने के बाद कैंडिडेट को जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और इस नोटिफिकेशन में इन्होंने लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट डाली है जो कि अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे यहाँ पे सबमिट कर। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करें और ऐसे ही जॉब रिलेटेड अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें।